हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। एनटीए ने 31 मार्च 2020 को अपने वेबसाइट nta.ac.in पर एक पब्लिक नोटिस डाला है, जिसमें यह बताया गया है कि जेई मेन की एग्जाम कब तक कंडक्ट होगी। इसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि नीट 2020 की एग्जाम कब तक कंडक्ट होने की संभावना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इस पब्लिक नोटिस में। तो ये 31 मार्च 2020 का नोटिस है। इसमें लिखा है कि जो 5, 7, 9 और 11 अप्रैल 2020 को जेई मेन का एग्जाम पोस्टपोन किया गया था, अब उसे मई 2020 लास्ट वीक में कंडक्ट करवाया जाना तय हुआ है। एग्जैक्ट डेट सिचुएशन को देखते हुए अनाउंस की जाएगी। इसमें आगे लिखा है कि हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही नॉर्मल सिचुएशन में वापस आ जाएंगे। अभी हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि सिचुएशन को देखते हुए शेड्यूल में कोई बदलाव करने की आवश्यकता तो नहीं है। इसी के अनुसार एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 15 अप्रैल 2020 के बाद जारी किए जाएंगे। उस समय की सिचुएशन के आधार पर ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। इसमें आगे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट या पेरेंट को कुछ डाउट है तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस नोटिस में ये क्लियर किया गया है कि अगर हालात सामान्य हो जाते हैं तो जेई मेन की एग्जाम मई लास्ट वीक में कंडक्ट करवाई जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे नीट 2020 की एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकती है। तो दोस्तों, हालत सामान्य होने पर जेई मेन की एग्जाम मई 2020 के लास्ट वीक में कंडक्ट करवाई जाती है तो नीट की एग्जाम जून 1st या 2nd वीक में कंडक्ट हो सकती है, यानी कि 15 जून तक कंडक्ट हो सकती है। मगर ये सब 15 अप्रैल के बाद ही पता चल पाएगा, उस समय की हालत को देखते हुए। सारा सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अभी तक आप ये मानकर चलें कि 15 अप्रैल तक हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो नीट की एग्जाम 1 जून से 15 जून के बीच कंडक्ट हो सकती है। तो दोस्तों, ये मेरा मानना है कि नीट की एग्जाम 15 जून तक हो सकती है। कोई भी अपडेट होगी हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।